एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर है, 90 से 17 नंबर का ये मिला। यहाँ पे स्विच होता है, हेडलाइट हम ऑन ऑफ करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। डायरेक्ट हम बाइक को चालू करेंगे, मैं आपको मीटर चालू करके दिखाऊं तो दोस्तों देखिए देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही है, रात में इतनी इंप्रेसिव लगती है, बहुत ही ज्यादा। 130 70 17 का टायर है, बड़ा काफी चौड़ा टायर है। मतलब तो मानी भी जाएगा, आज तो के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों, कौन सा मॉडल है पूरा रिव्यू बताऊंगा, पूरी डिटेल देने वाला हूँ। बाइक बहुत इंटरेस्टेड बाइक है दोस्तों, कलर देख सकते हैं आप इसका, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको यामा की बेजिंग मिल जाती है दोस्तों। ये इसके जो हेडलाइट्स का टाइप है ना, ये इसकी जो दोस्तों हेडलाइट्स है, ये देखिए हेडलाइट्स कितने बड़े साइज में दोस्तों। बाइक मतलब चलाते हैं ना, दूसरे बंदे ना देखते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है बाइक। इसके हेडलाइट्स देखिए दोस्तों, भैया एक बार बंद करके बजाय एक बार चलाएगा दोबारा, मतलब बहुत ही शार्पनेस, बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। टायर दिखाऊं मैं, टायर देख लीजिए, आपको टायर के साइज के बारे में बताऊं, का ट्यूबलेस टायर है, 90 से 17 नंबर का ये मिलने वाला है। डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी। और साइड से इसकी ग्राफिक्स देखिए आप, R15 यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है यामा दोस्तों। इंजन अगर मैं दिखाऊँ इस बाइक का, आपको इंजन देखिए पूरा मतलब कवर्ड अप हो रखा है इंजन, यहाँ पे इस तरीके की जाली भी लगी हुई है। तो मैंने एक रेडिएटर टाइप का एक सिस्टम होता है, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो, मतलब आप कितनी भी स्पीड पे कितनी भी ड्राइव करेंगे ना बाइक, आपके इंजन को हॉट नहीं होने देगा, बिल्कुल भी हीटिंग नहीं करेगा इंजन, ये अंदर से कूलेंट रखेगा, कूल रखेगा इंजन को। इस तरीके का इसमें कुछ फीचर्स मिल जाता है, ये वाला UP14 नंबर मिलने वाला है। साइड से पूरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल वेल मेंटेन जैन में 2018 मॉडल टंगी पे मिल जाता है। यामा का यहाँ पे कुछ बेजिंग मिल जाती है आपको, डेल्टा बॉक्स की ग्राफिक्स के साथ मिल जाते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको। UP14 नंबर दोस्तों, पीछे से जो इस बाइक का लुक है ना, थोड़ा बीस्ट टाइप का है, काफ़ी वाइड वाइड लगती है, चौड़ी सी थोड़ी, भैया थोड़ा सा आगे करके दिखाएंगे, ये देखिए पीछे से मतलब एक चौड़ी चौड़ी टाइप की लगती है। इसमें टायर का साइज जो है ना पीछे वाला, वो भी बहुत अच्छा दे रखा है, 130 70 17 का टायर है, बड़ा काफ़ी चौड़ा टायर है, मतलब सूट भी होता है बहुत ही अच्छा। और तो टायर की कंडीशन भी देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा टायर है, कई साल चलने वाला है, कोई भी घिसा पिटा नहीं है। अगर मैं आपको मीटर चालू करके दिखाऊं तो दोस्तों देखिए, मतलब इसमें ना हेडलाइट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे स्विच होता है, हेडलाइट का हम ऑन ऑफ करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। डायरेक्ट हम बाइक को चालू करेंगे, लाइट चालू दोस्तों, लाइट का मैं आपको व्यू देख चुका हूँ, एक बार और देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही है, रात में इतनी इंप्रेसिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लुक आता है दोस्तों। बाइक कितनी चल चुकी है अगर मैं आपको दिखाने की बात करूँ तो, 20,176, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, ब्रांड न्यू कंडीशन, 20,176 चलाने में दोस्तों बाइक का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ये फ्यूल टैंक 3 to 18 लीटर होगा समथिंग, 150 cc में बाइक मिल जाती है। इसके मामले में दोस्तों मतलब बाइक अगर आप चलाओगे ना, पीछे वाला भी एक बार जरूर देखेगा, आगे वाला भी जरूर देखेगा, बहुत ही इंप्रेसिव बाइक है। और दोस्तों चलाने में ना एक ऐसा फील आता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एकदम ऐसा फील आता है, स्पोर्टी टाइप वाला, स्पोर्टी टाइप की बाइक चला रहे हैं दोस्तों। ये हमारा R15 नाम ही काफी है। कोई भी भाई हमारे कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा बाइक कैसी लगी। और दोस्तों जो भी भाई अगर हमारे बाइक खरीदना चाहते हैं, मेरे चैनल पे एक सेकंड वीडियो है इस बाइक की, आप उसे वहाँ से डिस्क्रिप्शन नंबर लेके ओनर को कॉल करके बाइक को खरीद सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से खरीद सकते हैं। बाइक के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन दे चुका हूँ मैं आपको, पूरी डिटेल बता चुका हूँ, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि बाइक कैसी लगी।